इस पॉडकास्ट ते तुहाडा स्वागत ते मैं तुहाडा अपना शायर यार। अज दे इस प्रोग्राम तुसी सुनोगे प्रसिद्ध जापानी लेखक योशिकी हायामा दी लिखी हुई कहानी सीमेंट दी बोरी चों मिली चिट्ठी। मात्सुदो ज़ज़ऊ मिक्सर मशीन विच पाउण लई सीमेंट दी बोरी खाली कर रहा सी। उस दे वाल अते उपरला बुल सीमेंट दी सलेटी गर्द नाल लिपे गए सन। उस दे जिसम दे होर हिस्सियां ते गर्द बहुती गूढ़ी नहीं सी। वह बड़ी शिद्दत नाल चाहुंदा सी कि नक विच उंगल कुसेड़ के सचिठी हुए सीमेंट नूं खुरच खुरच के बाहर कढ सुट्टे, जो उस दीआं नासां दे वाला नाल जमे हुए कंक्रीट की तरह पथरा चुकया सी। पर सीमेंट मिक्सर प्रति मिनट 10 वर्ग फुट कंक्रीट मिक्स करके बाहर सुट रहा सी अते ओहो उसकी रफ्तार दे नाल चलन उत्ते मजबूर सी। बहुत तीबर ख्वाहिश के बावजूद 11 घंटे लम्मी शिफ्ट विच एक बार भी उसनू अपनी नक साफ करन दी वेल ना मिली। उसनू 2 ब्रेक मिलते सन, एक लंच वेले अते दूजा 3 बजे। लंच वेले सारा समा भुखा ढिड भरन विच निकल गया सी। उसनू उम्मीद सी कि बाद दुपहर वाली ब्रेक विच उह नक साफ कर लवेगा, पर उस समय सीमेंट मिक्सर नू साफ करना पै गया, नक की सफाई का समा ही ना मिलिया। बाद दुपहर तो एवें लगता सी कि उसका नक प्लास्टर ऑफ पैरिस का बनया होया है। सरकते सरकते दिन ढैला होया, उस दियां बाहां थकावट नाल चूर हो चुकिया सन अते उसनू बोरी चुकन लई अपनी सारी ताकत झोंकनी पैंदी सी। उस दे थके हुए हत्थां ने जद एक बोरी खाली कीती तां उसनू लकड़ी दा एक छोटा जिहा डब्बा सीमेंट विच नज़र आया। इह की है? उह जरा हैरान होया, पर उसने उत्सुकता नू अपने काम उत्ते हावी ना होण दिता। उह बेलचे नाल सीमेंट तैगार विच पाउंदा रहा अते नक्को नक भर के उसनू मिक्सर विच खाली करके दोबारा बेलचे नाल सीमेंट पाउण लगा। 1 मिनट, उसने मन ही मन विच कहा, आखिर सीमेंट दी बोरी विच इस तरह दे डब्बे दा भला की कम। उहने डब्बा चुकिया अते अपने झग्गे दे खीसे विच पा लिया। इन्ना भारी तां नहीं सी, इस विच ज़्यादा रकम तां नहीं होणी। इन्ने नाल उह कम विच पछड़ गया अते हुण उसने तेजी नाल बेलचा चलाउणा शुरू कीता। मशीन दी तरह उसने अगली बोरी खाली कीती अते मसाले नाल तैगार भर लिया। हुण मिक्सर खाली खड़कन लग्या अते एक-एक रुक गया। इह मात्सुदो ज़ज़ऊ लई दिन दा कम ठप कर देण दा वक्त सी। उसने मिक्सर दे नाल लग्या रबड़ दा पाइप चुकिया अते पहलां अपने हथ मूँह धोते, फिर उसने लंच बॉक्स गल विच लमकाया अते अपने घर वल रवाना हो लिया। उसका ध्यान कुछ खाण नूं अते सब तो अहम चावलां दी शराब दा पैग लाउण दा सी। ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਮ ਇਕਲ ਚਿੱਠੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਝੱਗਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਣਤ, एक होर जवाक? नहीं नहीं, मात्सुदो ज़ज़ऊ ने सोचा, यह बर्दाश्त तो बाहर है, उक्का बर्दाश्त तो बाहर। हुण फिर गर्भवती है। उसनू 6 बच्चों का ख्याल आया जो पहला ही उन्हां दे घर विच कुरबल कुरबल करते सन। इस नवें बच्चे का जन्म आ रही सर्दियों विच होण वाला सी अते उहदी पत्नी एक दे बाद एक बच्चा जनदी जा रही सी। उह तंग आ चुकिया सी। हुण वेखो, वह बुड़बुड़ाया, वह मैनू 1 येन ते 90 सेन 1 दिन दे मिलते ने। उन्हां विच्चों 50 सेन 1 वक्त दे खाने दे, 2 वक्त पेट भरना हुंदा अते इस तों बाद मकान दे किराए अते कपड़ियां दे खर्च। किवें उम्मीद कीती जा सकती है कि एक पैग लई पैसे बचणगे? एवें ही उसनू जेब विच पए छोटे जिहे डिब्बे का ख्याल आ गया। उहने उह कढ लिया अते उसनू अपने पजामे नाल रगड़िया कि सीमेंट चढ़ जाए। डब्बे उपर कुछ लिखा नहीं सी होया,
पर यह चंगी तरह बंद किया होया सी। आखिर क्यों कोई अजिहे डब्बे नूं इस तरह बंद करेगा, जो भी है बहुत गुप्त लगता है। उसने डब्बा पत्थर उत्ते मारिया पर ढक्कन फिर भी ना उतरिया। आखिर चुंझला के उसने इनू पुंजे सुटिया अते इस उत्ते इंज टप्पन लग पिया जिमें दुनिया के हाल ते अपना गुस्सा कढ रहा होवे। डब्बा टुट गया अते जमीन उत्ते एक लीरां विच लपेटिया होया कागज़ का टुकड़ा निकल के हेठां डिग पिया। उसने चक्या अते उसनूं पढ़ना शुरू किया। मैं एक फैक्टरी मजदूर की कुड़ी हाँ जो एक सीमेंट कंपनी विच कम करती हाँ। मैं सीमेंट के बोरे सिउंदी हाँ। मेरा प्रेमी भी इस कंपनी विच कम करता सी। उसका कम पत्थर उठा के क्रशर विच सुटना सी। 7 अक्तूबर की सवेर जदों वह एक वड्डा पत्थर सुटन लग्या तो चिक्कड़ विच फिसल गया अते क्रशर विच सीधा चट्टान दे हेठां जा डिग गया। दूजे लोगों ने उसनूं बहुत कढ़न की कोशिश की पर बेकार। वह पत्थरां दे हेठां दबिया गया बिल्कुल जिमें उसनूं निगल लिया होवे। फिर पत्थरां दे नाल उसका जिसम भी चीरिया गया अते वह गुलाबी पत्थर बन के इजैक्टर तो इकट्ठे बाहर निकले। वह कन्वेयर बैल्ट उत्ते गिरे अते पीण वाली मशीन उत्ते पहुँच गए। पत्थरां दे नाल नाल वह भी छोटे होर छोटे टुकड़ियां विच तकसीम हुंदा गया अते फिर इस विच धात दियां निक्कियां निक्कियां गोलियां मलाईयां गईयां अते इंज पीहण समय अजीब तरह दियां चीकां निकल रहियां सन। फिर उस चूरे नूं भट्ठी विच पकाया गया अते ओह सीमेंट दी शक्ल विच टालिया गया। उस दियां हड्डियां उसका गोश्त उसका दिमाग सब पाउडर विच बदल गया सी। मेरे प्रेमी का सब कुछ सीमेंट बन गया। जो बचिया वो सिर्फ उसके कम वेले के कपड़ियां दियां कुछ लीरां सन। अज मैं वह बोरा सिउण लगी सी जिस विच ओह उसनूं पाउणगे। मैं यह चिट्ठी उसके सीमेंट बन तो अगले दिन लिख रही हाँ अते जदों मैं लिख लवांगी तां मैं उसनूं सीमेंट दे इस बोरे विच पा देवांगी। कि तुसी एक मजदूर हो? जेकर हो तां तरस खा के मैनूं जवाब जरूर देना कि इस थैले दा सीमेंट किस मकसद लई इस्तेमाल होया है। मैं यह जानण दी शिद्दत नाल ख्वाहिशमंद हाँ इस तों किन्ना मसाला तैयार होया है ते की यह एक थां इस्तेमाल होया है जां वख-वख थावां उत्ते। की तुसी मिस्त्री हो जां आर्कीटैक्ट हो? मैं उसनूं किसी थिएटर दा कोरीडोर जां किसी वड्डी हवेली दी दीवार बणिया नहीं वेख सकदी, पर आखर यह रोकण लई मैं कर ही की सकदी हाँ। जेकर तुसी कोई मजदूर हो तो कृपा करके यह सीमेंट अजही किसी जगह इस्तेमाल ना करना। मैनू खिमा करना, यह मसला भी नहीं। उसनू जिथे चाहो इस्तेमाल करो, वह जिथे भी लगेगा उसनू बेहतर बनावेगा। वह बहुत चंगा शख्स सी अते वह जिथे भी लग्या भला ही करेगा। तुहानू दसा वह बहुत निर्माण सी पर दलेर अते तगड़ा शख्स भी सी। वह अजे जवान सी, महज 25 सालां दा, 26 दा होण वाला सी। मैनू यह जानण दा मौका ही ना मिलिया कि वह मैनू किस हद तक प्यार करदा सी। अते इत्थे मैं उस लई कफन जां सीमेंट दा बोरा सिउं रही हाँ। जनाजा गाह विच जाण दी बजाए उस दियां आखरी रस्मां भड़कदी भट्ठी उत्ते होईयां, पर मैं उसनू अलविदा कहन लई उसदी कबर दी निशानी कित्थों लब्भां? तुसी समझदे हो ना, मैनू जरा भी अंदाजा नहीं कि वह कित्थे दफन होवेगा। पूर्व जां पछम, दूर जां नज़दीक जानण दा कोई तरीका नहीं। यही वजह है कि मैं तुहाडा जवाब चाहुंदी हाँ। जेकर तुसी मजदूर हो तो मैनू जवाब दिओगे? दिओगे ना? अते बदले विच मैं उसदे कम वेले पाउण वाले कपड़े दा टुकड़ा दे रही हाँ। जी हाँ, वह टुकड़ा जिस विच यह चिट्ठी लपेटी हुई है। इस चट्टान की धूड़, उसके शरीर का मुड़का सब इस कपड़े के अंदर समाया होया है। जिस लिवास नालों ये टुकड़ा वख होया उसनू पहन के वह मैनू किस गर्मजोशी नाल गले लगाउंदा सी। मैं तुहानू बेनती करदी हाँ मेरे लिए इन्ना कर देना, करोगे ना? मैं जानदी हाँ ये काफ़ी झंझट है, पर कृपा करके मैनू दस देना कि यह सीमेंट कदों अते किस स्थान उत्ते
किस तरह की जगह उत्ते इस्तेमाल होया है, अते तुहाडा अपना नाम भी अते तुसी अपना भी ख्याल रखना। अलविदा। मातसुदो ने बच्चों के टोले नूं अपने इर्द गिर्द भड़थू मचाउंदे देखिया। उसने चिट्ठी के आखर ते दित्ते गए नाम अते पते नूं वेख्या अते प्याले विच पाई चावलां दी शराब एक ही वार विच संघ चों उतार ली। मैं अज रज के पीणी है, ओह चलाया। मैं हथ लगन वाली हर चीज तोड़ सुट्टांगा। मैं तेनू हुल्लड़ नहीं मचाउण देंगी, कदे बच्चों का सोचा तू? उसने अपनी पत्नी का उभरिया हुआ ढिड वेख्या अते अपने सत्तवें बच्चे बारे सोचण लग पिया। शुक्रिया।